आईपीएल 2023 के बाद से अगर इंडियन क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो है रिंकू सिंह। 5 गेंद 5 छक्के और गजब का प्रदर्शन, मतलब रिंकू सिंह ने धमाल मचा दिया इंडियन क्रिकेट में। फिर उसके बाद चाहे डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, हर जगह रिंकू का जलवा देखने को मिला। आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पे उनको इंडियन टीम में भी जगह मिल गई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय सरजमी पर रिंकू सिंह ने शानदार प्रदर्शन भी किया। कभी 9 गेंदों में 31 रन बना दिए तो बिल्कुल शांत रहते हुए कभी मुश्किल दिखते हालातों में टीम इंडिया को जीत दिला दी। सूर्य कुमार यादव को तो रिंकू सिंह में किसी बहुत बड़े फिनिशर की झलक भी दिखने लगी। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रहे थे वो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की तरफ इशारा था। अब रिंकू सिंह को लेकर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रिंकू सिंह के बारे में बोलते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि देखिए, टैलेंट हर किसी को नहीं मिलता है। आप खेल से प्यार कर सकते हैं, लेकिन जो टैलेंट रिंकू सिंह के पास है वो गॉड गिफ्टेड है। अब रिंकू सिंह को वही कमाल दोहराना होगा जो कमाल पिछले 2-3 सालों से उन्होंने आईपीएल में किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में किया और जिसकी बदौलत उन्हें इंडियन क्रिकेट में मौका मिला है। आगे बोलते हुए रिंकू सिंह के बारे में गावस्कर ने कहा कि रिंकू सिंह अगर 1% भी वो काम कर लेते हैं जो काम युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में टीम इंडिया के लिए किया था तो उनका करियर बेहद ही शानदार रहने वाला है। अब रिंकू सिंह इतने ज्यादा अहम खिलाड़ी क्यों बन जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। रिंकू सिंह नंबर 6 या 7 पर खेलते हैं, एक फिनिशर का रोल निभाते हैं और जैसे युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद अभी तक एक फिनिशर हमें नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उस फिनिशर की हमें तलाश है। हालांकि हार्दिक पांड्या हमारे पास है, लेकिन उनकी फिटनेस कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करती है। वहीं रिंकू सिंह के बारे में बात करें तो आने वाला T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है और अगर रिंकू सिंह वहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम इंडिया जीत के और उस ट्रॉफी के बेहद करीब पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह को और मेहनत करनी होगी और जो काम महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने अपने करियर में करा है वैसा ही कुछ कमाल और धमाल रिंकू सिंह को भी करके दिखाना होगा, क्योंकि तारीफ तो उनको हर तरफ से मिल रही है और हमने कई बार देखा है कि युवा खिलाड़ी आते हैं, 1-2 सीजन इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको डिकोड कर लिया जाता है तो वो थोड़े से फेड आउट हो जाते हैं। अब रिंकू सिंह पर ये जिम्मेदारी है कि वो फेड आउट ना हो, पूरी तरह से चमके और टीम इंडिया को आने वाले कई सालों तक आगे लेकर जाए। आपको क्या लगता है कि यार रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह मिलेगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं।